हेलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ओप्पो और रियल के दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स जो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं ओप्पो का ए थर्टी वन दोस्तों ये आपको मिलता है बारह हज़ार के आसपास और रियल मी सिक्स जो आपको मिलता है चौदह हज़ार में तो दोनों में सिर्फ दो हज़ार के आसपास का ही फर्क है इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं आपको ओप्पो लेना चाहिए या फिर रियल तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा चलिए देखते हैं ओप्पो के साथ आपको क्या क्या मिलता है तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले रखे हुए मिल जाते हैं अंदर की तरफ कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से कार्ड में लगा हुआ है एक सीमिजेक्टर टूल इसके बाद मिलता है आपको कवर जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसके बाद दिया गया है मोबाइल जो मेरे पास है वाइट टाइप के कलर में डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में आपको रखी हुई मिलती है एक डेटा केबल डेटा केबल की लेंथ और क्वालिटी दोनों सही हैं लेकिन कमी यह है इसके अंदर आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई ये मुझे इस मोबाइल में कमी लगी इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है लेकिन इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है फाइव वोल्ट टू एम्पियर का ही तो सिंपल सा दस वॉट का चार्जर आपको इसके साथ दिया गया है फास्ट चार्जर नहीं मिलता तो ये मुझे इसमें दूसरी कमी लगी कि बारह में फास्ट चार्जर नहीं दिया गया जो आपको आजकल नौ दस के मोबाइल में भी मिल जाता है तो दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है बारह हजार के आसपास ओप्पो के ए थर्टी वन में रेट के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल ही सामान है कम से कम फास्ट चार्जर नॉर्मल क्वालिटी का होना चाहिए था अट्ठारह वोट का चलिए देखते हैं फिर भी अगर आप दो हज़ार और ज़्यादा खर्च करते हैं तो रियल मी सिक्स के साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं इसमें भी सबसे सब पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स ही जिसमें लगा हुआ है एक इजेक्टर टूल अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इसके बाद इसके साथ भी आपको कवर दिया गया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर और ज़्यादा बेटर क्वालिटी का कवर आपको रियल मी के साथ ही मिलता है इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में आपको रखी हुई मिलती है एक डेटे केबल दोस्तों इस डेटे केबल की क्वालिटी का काफ़ी बड़ा फर्क है इसी के साथ इसके अंदर आपको टाइप सी केबल दी गई है तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी में भी और टाइप सी केबल आपको मिल जाती है रियलमी सिक्स के साथ ये चीज इसमें ज्यादा अच्छी है आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में काफी हैवी चार्जर अब इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक तीस वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है नॉर्मल फास्ट चार्जर आपको नहीं मिलता काफी अच्छी क्वालिटी का फास्ट चार्जर दिया गया है तो दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है रियलमी सिक्स के साथ तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो रियलमी सिक्स की कीमत थोड़ी सी ज्यादा है सामान भी इसके साथ आपको ज्यादा अच्छा मिलता है लेकिन फिर भी मुझे इन दोनों मोबाइल्स में इस चीज़ में रियलमी सिक्स ही ज्यादा पसंद आया क्योंकि बारह हजार में टाइप सी केबल और फास्ट चार्जर होना चाहिए था ओपो ए थर्टी वन के साथ तो इस चीज़ में रियलमी सिक्स ही ज्यादा अच्छा है चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में तो दोस्तों ओप्पो के ए थर्टी वन में आपको व्हाइट कलर के साथ साथ ग्रीन कलर का इफेक्ट दिया गया है वैसे दोनों में प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन है लेकिन ओप्प में थोड़ा हार्ड टाइप का प्लास्टिक है इस पर स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको कम मिलेगी देखने को लेकिन दोस्तों लुक वाइज जो डिज़ाइन है वो आपको रियली सिक्स में ही ज्यादा अच्छा मिलता है डिजाइन के अंदर भी वैसे लुक में रियलमी सिक्स अच्छा है बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो ओप्पो ए थर्टी वन में पीछे की तरफ आपको तीन कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला कैमरा है बारह मेगापिक्सल का और बाकी के दो कैमरे हैं दो दो मेगापिक्सल के इसका फ्रंट कैमरा है आठ मेगापिक्सल का कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको नॉर्मल मिलती है और फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे दिया गया है बीच में वहीं दूसरी तरफ रियलमी सिक्स में आपको पीछे की तरफ चार कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है चौसठ मेगापिक्सल का दूसरा आठ और बाकी के दो कैमरे हैं दो दो मेगा पिक्सल के इसका फ्रंट कैमरा है सोलह मेगा पिक्सल का दोस्तों कैमरे के अंदर कोई कॉम्पिटन ही नहीं है रियली सिक्स का कैमरा ओपो ए थर्टी वन से बहुत ज़्यादा अच्छा है कैमरे के अंदर भी रियलमी सिक्स ज़्यादा अच्छा है ओप्पो ए थर्टी वन से अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो इस लेवल की परफॉर्मेंस आपको रियल मी सिक्स में मिल जाती है चलिए कर लेते हैं दोनों को स्टार्ट बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो ओपो ए थर्टी वन में आपको साढ़े छः इंच की डिस्प्ले मिलती है रियलमी सिक्स में भी आपको इसी साइज में डिस्प्ले दी गई है साढ़े छः इंच की लेकिन दोनों में आपको आई पी एस डिस्प्ले मिलती है ओपो में एच डी प्लस है रियलमी सिक्स में फुल एच डी प्लस तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आपको ज्यादा बेटर मिलती है रियलमी सिक्स में फिर भी कलर्स किसके अच्छे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें यूज एंड्रफेस के बारे में तो दोस्तों दोनों में आपको यूज एंड्रफेस कुछ इस तरीके से मिलता है आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉड दिया गया है लेकिन रियल मी में आपको डिस्प्ले जो मिलती है वो मिलती है नाइन्टी हर्ट्स के रिफ्रेश रेट के साथ तो जब आप देखेंगे मैं इनको स्क्रोल करता हूँ ऊपर नीचे तो इन दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है रियलमी सिक्स के डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क है इस चीज़ के अंदर तो इस चीज़ में आपको रियलमी सिक्स में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी मिलती है ओप्पो के ए थर्टी वन से बाकी दोस्तों दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ डिस्प्ले के कलर्स के अंदर एक्चुअल में कितना फर्क है और कौन सा मोबाइल ज्यादा अच्छा है लेकिन सबसे बड़ा फर्क डिस्प्ले को डिजाइन को लेकर है सबसे पहले ओपो के ए में आपको नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है और Realme 6 में आपको पंच होल कैमरा दिया गया है इसमें आपको नॉच वाली डिस्प्ले नहीं मिलती डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा मिलता है लेफ्ट साइड पर तो दोस्तों डिस्प्ले का जो डिज़ाइन है वो ज्यादा लेटेस्ट है Realme 6 के अंदर इसके अलावा अगर आप कलर्स देखेंगे डिस्प्ले के तो वो दोनों ही के डिस्प्ले में आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं कलर्स के अंदर दोनों सही हैं लेकिन आई पी एस फुल एच डी प्लस डिस्प्ले होने चाहिए थी ओपो ए थर्टी वन के अंदर तो ये चीज़ भी मुझे रियल मी सिक्स की ज्यादा अच्छी लगी तो डिस्प्ले के साइज़ में कलर्स में दोनों सही हैं लेकिन डिज़ाइन और नाइन्टी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट ये दो चीज़ आपको रियलमी सिक्स में ज़्यादा अच्छी मिलती है लेफ्ट साइड से आप देखते हैं तो दोनों में सिम की ट्रे दी गई हैं और वॉल्यूम के बटन्स दोनों मोबाइल्स में आप दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं ये दोनों में ख़ूबी है नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम जगह पे चार्जिंग पोर्ट स्पीकर माइक हेडफोन जैक मिल जाता है टाइप सी पोर्ट है रियल मी सिक्स के अंदर और दोस्तों राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में मिलते हैं पावर के बटन लेकिन रियल मी सिक्स में ये जो पावर का बटन है इसी के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है बैक पैनल पे नहीं दिया गया ओप्पो की तरह तो ये चीज़ का काफी बड़ा फर्क है इन दोनों में इसके अलावा ऊपर की तरफ से आप देखते हैं तो दोनों में बिल्कुल प्लेन डिजाइन है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है चार जी बी रैम चौसठ जीबी के इंटरनल स्टोरेज और चौंसठ जी में से आपको ओप्पो के अंदर मिलती है पैंतालीस जी के आसपास रियल मी सिक्स में दी गई है इक्यावन जी के आसपास वैसे तो छः जी ज़्यादा है रियल मी सिक्स के अंदर तकरीबन लेकिन ओप्पो की कीमत दो हज़ार कम है तो इस चीज़ में आपको ओप्पो ए थर्टी वन ज़्यादा अच्छा मिलता है रियल मी सिक्स से क्योंकि कम कीमत में रैम और स्टोरेज आपको रियल मी सिक्स के बराबर ही मिल जाती है इसके अलावा दोस्तों ओप्पो के अंदर आपको एंड्रॉड का नाइन पाई वर्जन दिया गया है और एंड्रॉयड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है रियल मी सिक्स के अंदर इसके अलावा इन दोनों मोबाइल्स में जो आपको यूज़र इंटरफेस मिलता है चलाने में जो अंदर से ज़्यादा अच्छा लगता है वो यूज़र इंटरफेस भी मुझे रियल मी सिक्स का ज़्यादा बेटर लगा बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो रियलमी सिक्स में आपको बैटरी मिलती है चार हजार ओप्पो में चार हजार दो सौ तीस एम एच की दोनों के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है आराम से लेकिन कीमत के हिसाब से देखा जाए तो बैटरी में ओप्पो ए थर्टी वन ज्यादा अच्छा है कम कीमत में इसमें आपको बैटरी काफी अच्छी मिल जाती है बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो ओप्पो ए थर्टी वन में आपको मिलता है मीडियाटेक का पी थर्टी फाइव प्रोसेसर रियलमी सिक्स में दिया गया है मीडिया टेक का जी नाइनटी टी प्रोसेसर प्रोसेसर के अंदर कोई कंपटीशन ही नहीं है रियल मी सिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है ओप्पो के ए थर्टी वन से अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो रियल मी के अंदर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली ओप्पो ए थर्टी वन के कंपैरिजन में तो दोस्तों ये सारी खूबियाँ कमियाँ हैं इन दोनों में चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ आपको इन दोनों में कौन से कौन सा लेना चाहिए तो मैटर ये करता है कि आपको ओप्पो पे भरोसा है या फिर रियलमी पे इसके बाद जो आपकी मेन जरूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है तो देखिए अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा तो आप रियल मी सिक्स खरीदिएगा यही मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले तो भी आप रियलमी सिक्स ही खरीदिएगा वैसे तो कलर्स ओपो की डिस्प्ले के भी काफी अच्छे हैं लेकिन नाइनटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट इसी के साथ पंचोल कैमरे का डिज़ाइन जो ज्यादा लेटेस्ट है और दोस्तों फुल एच प्लस डिस्प्ले ये तीन चीज़ें आपको रियल मी सिक्स में ज्यादा अच्छी मिलती हैं तो डिस्प्ले की क्वालिटी के लिए आप रियलमी सिक्स ही खरीदिएगा और अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन तो वैसे मुझे दोनों मोबाइल्स के अंदर लुक वाइज रियलमी सिक्स ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है बाकी आपकी पसंद की बात है कि आपको इन दोनों में लुक वाइज किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा वैसे मैं आपको रियलमी सिक्स ही सजेस्ट करूंगा अच्छे डिजाइन के लिए यही मोबाइल ज्यादा अच्छा लग रहा है इन दोनों में इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी तो कम कीमत में आप ओप्पो ए थर्टी वन ले सकते हैं अच्छी बैटरी के लिए और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर तो भी आप रियलमी सिक्स खरीदिएगा यही मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा आखिर में दोस्तों अगर आपके लिए रैम और स्टोरेज मैटर करती है तो ये चीज भी आपको ओप्पो ए थर्टी वन में कम कीमत में ही मिल जाती है रियलमी के बराबर वैसे दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल भी इन दोनों मोबाइल्स में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा जहां बारह हजार रुपये खर्च करने की सोच रहे हैं ओप्पो ए थर्टी वन पे दो हजार महंगा रियलमी सिक्स ही खरीदिएगा यही मोबाइल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा काफी ज्यादा फर्क है इन दोनों मोबाइल्स में लेकिन कीमत में इतना फर्क नहीं है तो दोस्तों मुझे भी इन दोनों मोबाइल्स में रियलम सिक्स ही अच्छा लगा आप मुझे बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा पसंद आया ये चीज़ तो आप कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेलाइकन है उसे भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज तक पहुँचती रहें इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर करिएगा व्हाट्सअप फेसबुक पर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय